Dear students, in this module, we are going to discuss social control and deterrence. Social control can involve the use of deterrence to prevent the deviant behavior. Deterrence involves the use of punishment or the threat of punishment to discourage the deviant behavior. It हर डेविएंट बिहेवियर जो है उसको ख़त्म करने के लिए सजा को नाफि किया जाए बल्कि सज़ा का खौफ पैदा करना भी जो है एक स्ट्रॉगर मैकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल होता है इन पाकिस्तान द डेथ पेनल्टी इज़ यूज़ एज अ फॉर्म ऑफ डिटेरेंस फॉर सर्टन हीनीस क्राइम्स तो चूँकि डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेरेंस पैदा करती है बहुत ज़्यादा खौफ पैदा करती है जो कि रिपेयरेबल होता है इसी वजह से डेथ पेनल्टी को एक स्ट्रोंगेस्ट डिटेरेंस फैक्टर के तौर पे कंसीडर किया जाता है एज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल सो द फियर ऑफ पनिशमेंट कैन बी इफेक्टिव इन प्रमोटिंग कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स हाउएवर इट मे नॉट ऑलवेज बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डिवियन बिहेवियर एंड इट मे लीड टू अ फोकस ऑन पनिशमेंट रैन द प्रवेंशन एंड रिहेबलीटेन तो बाजूकत ये होता है कि जो मकसद होता है जैसे कि डिटेरेंस का मकसद जो है वो सोशल कंट्रोल है ताकि लोग जो हैं वो क्राइम या डिवेन बिहेवियर को अवॉइड करें और उसकी तरफ मोटिवेट ना हो वो मकसद बजात ख़ुद पीछे रह जाता है और सज़ा जो है वो ज़्यादा अहम बन जाती है तो मेकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल के अंदर अगर डिटेरेंस इफेक्टिव है तो एट द सेम टाइम डिटेरेंस जो है ये पनिशमेंट का एक ऐसा मेकनिज़म भी बन सकता है कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा करना हो ना कि इसके ज़रिए जो है सोशल कंट्रोल मकसद हो सो बैलेंसिंग द सोशल कंट्रोल एंड डिटेरेंस with prevention and rehabilitation is important for promoting a just and equitable society. So rehabilitation भी एक खास mechanism होता है कि जिसके through हम जो potentially deviant behavior होते हैं जो antisocial behavior होते हैं उनको हम normal behaviors के अंदर convert कर सकें लोगों को डी सोशलाइज करके और उनको resocialize सोशलाइज करके मिसाल के तौर पे ड्रग एब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन जो है इट इज़ कंसीडर्ड अ डिवियन बिहेवियर अगर हम किसी ड्रग एडिक्ट को कंटिन्यूसली जो है वो पनिशमेंट के प्रोसेस से गुजारते रहें तो शायद बहुत मुश्किल हो कि वो ड्रग के इस्तेमाल को तर्क कर दें लेकिन अगर हम उसकी उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजारें कि जिसमें हम ये कोशिश करें कि उसकी ये ड्रग की जो लत है या ये आदत है इससे छुटकारा पाने में उसकी हेल्प करें तो पॉसिबल है कि इसके ज़्यादा फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंस और ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट बरामद हो सकते हैं नस्बता इसके कि हम डिटेरेंस को महज़ एक मेकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल के तौर पर यूज़ करने की punishment for the sake of punishment के बजाय पनिशमेंट फॉर द सेक ऑफ़ पनिशमेंट के तौर पर यूज़ करें